हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हम लोग, क्या हाल चाल। मैं दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने चैनल अगार्थियन राइडर पर। तो भाई लोग, आज मैं जा रहा हूँ अपने पापा की बाइक बनवाने, कावासाकी कैलिबर। और सच बताऊँ तो मेरी जिंदगी की पहली बाइक कावासाकी ही थी जिसे मैंने चलाना सीखा था। और ये 2008 में मैंने सीखा था, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। लिटरली बताऊँ तो उस एज में साइकिल चलाना ही बहुत बड़ी बात होती जब मैं बाइक चला रहा था। और ये बहुत ही गलत है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप इतनी कम एज में बाइक चलाओ। मुझे बचपन से बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इस वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाता था। इवन बाइक को स्टार्ट करने के लिए मुझे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता था वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो जान लो कि उस एज में किसी को बाइक नहीं चलाना चाहिए। जब तक आप 18 साल के नहीं जाते हो, आपका लाइसेंस नहीं आता, आप रोड पे मत आओ बाइक लेके। तो मैंने गलती करी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने पापा की बाइक बनवाने, और लगभग ही 8 महीने से बंद खड़ी है। और एक्चुअली उसका जो फ्यूल वाला नोजल होता है ना, वो बंदे ने पेट्रोल यहाँ चक्कर में तोड़ दिया था, तो उसको भी बनवाऊंगा। इस वजह से मैं बाइक स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और टाइम ही नहीं मिला था मैं उसको रिप्लेस करूँ खुद से ही। तो लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं जा रहा हूँ उसको मस्त मेंटेन कराऊंगा। बस फिर दिखाता हूँ आपको कैसा है वीडियो, कैसा रहता है, और क्या ये इतने सब महीनों से बंद है और चलती बहुत कम है। गाइस मेरे पास RS 390 आप जानते ही, और RS 200 है, तो सारा काम इसी से हो जाता है। और इस बाइक को जल्दी उठाना पड़ता नहीं है, और अब किक मारने के आज छूट गई गाइस, तो सेल्फ लेने का ही बस मज़ा आता है मेरे को। लेकिन नहीं, आज भी ये बाइक एक किक में स्टार्ट होती है, तो आज जा रहा हूँ इसको बनवाऊँगा। और फिर इस पे तो एक लोग आपको पक्का मिलेगा। एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि भाई आपने उस बाइक को बनवाया नहीं, अपने कैलिबर को। तो भाई मैंने बनवा लिया, आप देख सकते हो। बस इसका कलर फेड हो गया, 25 साल पुरानी बाइक है, तो जाहिर सी बात है कलर फेड हो गया है। उसको भी मैं या तो पेंट कराऊँगा या तो रैप कराऊँगा, कोशिश करूँगा कि पेंट ही कराऊँ मैं। तो आई होप आपको पसंद आए वीडियो, और चलते देखते हैं कि आप मेरी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, क्या रिस्पांस देती है। फिर चलिए फिर मिलते हैं मैकेनिक के शॉप। तो गाइस देख सकते हो आप, बाइक पूरी खुल गई है, टैंक वैंक सब उतार लिया गया है, सीट उतार ली गई है, और भाई लोग अपना काम कर रहे हैं। और बस ये बार ये बाइक बन जाए। ये टैंक का नोजल देख रहे हो आप, यही तोड़ दिया था बंदों ने। मतलब एक आदमी आया था भाई पेट्रोल निकालने चक्कर में, उसने नोजल ही तोड़ दिया था पेट्रोल। फिर मेरा काम नहीं कर रहा था कि मैं बाइक स्टार्ट कर पाऊँ, जिस वजह से मेरी बाइक बंद थी इतने दिनों से। भाई ये देखो मेरी बाइक, इसका चेसी देख रहे हो। पहले गाड़ी बड़ी सिंपल हुआ करती थी ना, लेकिन भाई ये बाइक बहुत पावरफुल, लिटरली बहुत पावरफुल है। इसका नोजल चेंज कराने के बाद सोच रहा हूँ ना इसका कार्बोरेटर भी चेंज करा दूँ, क्योंकि 25 साल पुराना कार्बोरेटर है। पता नहीं अभी वो परफॉर्मेंस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, क्योंकि RPM फ्लक्चुएट होता रहता है। अब ये देख रहे हो ये मोटूल का इंजन ऑयल में डलवा रहा हूँ, भाई मोटूल पड़ेगा। एक बाइक में इतना पोटेंशियल है ना, एक बार RX 100 को ना 100 CC में टक्कर दे, जो कि RX 100 से कहीं ज़्यादा हल्की है। एक बार तो भाई मैं ये मिथ जो है ना, RX 100 100 CC सबसे खतरनाक बाइक है, मैं वो ख़त्म करूँगा। 2-स्ट्रोक इंजन उसका है, इसका 4-स्ट्रोक इंजन है। 2-स्ट्रोक पावर डिलीवरी बहुत अच्छा देता है, लेकिन भाई ये कैलिबर को मैंने भगा के देखा है, तो मैं जानता हूँ उसकी पोटेंशियल क्या है। ओवर स्कोर इंजन इसका है, मज़ा आएगा रेस में। पहले की बाइक में गाई एक बात बहुत सही थी यार, बैटरी रह जा ना रहा है कि मारो बाइक स्टार्ट, हॉर्न भी बज रहा है, लाइट्स भी जल रही हैं, ये सही होता था। ये इंजन का RPM सेट कर रहे हैं, मतलब रेस का जो है ना वो सेट कर रहे हैं, ज़्यादा ना हाई रहे ना ज़्यादा लो। इस बाइक को गाइस मैं पेंट कराऊंगा ना, फिर ये फिर जो अच्छी दिखेगी रोड पे पूछो मत आप। ये बाइक लिटरली गाइस बहुत मज़ा आता है यार, 100 CC की ये बाइक इतनी बेहतरीन थी ना, जब ये लॉन्च थी उस पर हुडी बाबा नाम से इसको बहुत पहचान मिली थी। और ये है इसका लेजेंडरी नाम, कावासाकी, मस्त बाइक भाई। ये इसका कार्बोरेटर है, और भैया बोले कार्बोरेटर आप नया डलवा लो, ओरिजिनल तो मिलने से रहा तो लोकल ही मिलेगा वो, तो डलवा लो। तो सोच रहा डलवाऊंगा, लेकिन अभी ओरिजिनल ही रहने दूंगा, बाद में भले ही डलवा दूंगा। पहले जो मेरे पास समय हुआ करता था ना, मैं खुद ही अपनी बाइक का सर्विस कर लिया करता था, ये कार्बोरेटर खुद से खोल के मतलब सब चीज़ सेट कर दिया करता था। ये अब समय रहता नहीं है भाई, कौन खोले। तो फाइनली गाइज अपनी बाइक तैयार हो चुकी है, बस धुलने जाएगी। आप देख सकते सीट वीट लग गया, सीट चूहे काट दिए हैं, तो उसको आप इग्नोर कर देना। बाकी बाइक पैक हो चुकी है और अब चलेगी ये धुलने। उसके बाद फिर आज तो मैं इसको आपको राइड वाला रिव्यू नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं हेलमेट लेके आया नहीं अपना, जिसमें मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो वो कभी और मिलेगा आपको। फिलहाल अपनी एक कैलिबर, अब मेरे पापा ने ये स्टिकर लगवाया था गाइज। तो ये है गाइज अपनी दोनों बाइक्स, RC 390 एंड अपनी कावासाकी कैलिबर। ये अभी भी एग्जैक्टली वही शेप में है, लुक में है, और इसको मैं बताऊँ मैं कस्टमाइज़ कर सकता था, लेकिन मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल लुक बरकरार रखना था।
और मेडिकल लगा दिया अपने, टूट गया था ये इसका कार्बोरेटर, जो मुझे चेंज कराना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला क्योंकि फ्लक्चुएट करा। अरे यार यहाँ पे देख रहे हो उन्होंने छेद कर दिया, कोई नहीं मैं इसको कर दूँगा सेट। ये गलत है, मैकेनिक्स का काम यही होता है, ये गलत इसको गलत बैठा दिए हैं यहाँ पे, इसी वजह से ये हुआ नहीं, इसी वजह से वो आगे बढ़ गया, जिस वजह से लॉक नहीं हुआ, गलती उनकी नुकसान मेरा। तो फाइनली गाइस ये बन चुका है और इस पर एक आपको व्लॉग मिलेगा ज़रूर। ये देखिए चूहों का आतंक, चूहों ने काट रखा है इसको, बट इसका डर लगता है मुझको कहीं इसको ना काट दें, क्योंकि चूहे यहाँ पे चूहे चलते रहते हैं तो उसको पैर का निशान रहता है। ये सब छोटे भाई ने बचपन चिपका रखा था, इसको निकालना पड़ेगा। ये अपनी कावासाकी वर्स फॉर इंजन 9 BHP 9 NM का टॉर्क, थोड़ा ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे। ये सब चूहों का आतंक है, यहाँ पे काट के या ये तो बंदर ने काटा इसको, ये चूहे ने और ये भी चूहे ने काटा है। ये मेरे पापा की बाइक है गाइस, ये रहा सर किल स्विच और ये रहा लाइट्स के लिए, इंडिकेटर के लिए, मेन बीम, हाई बीम, लो बीम के लिए, हॉर्न, पास लाइट। इसका RPM मीटर था, आप देख सकते हो इसमें 0 to 180 मैंने स्पीड बना रखा है, ये RPM मीटर था, लेकिन मुझे स्पीड ये टुक का रही, मैं 120 तक भगाया हूँ, तब मैं बहुत छोटा था, मेरा वेट मैटर नहीं करता सूट भी। गाड़ी 60,690 चली हुई है। ये फ्यूल मीटर आप देख रहे हो, कितना सिंपल मीटर था इसका, ये RPM वाला मैं निकाल दूँगा और उस पर RPM ही रहने दूँगा, देखिए 1000 RPM लिखा हुआ इस पर, ये RPM मीटर था। एकदम रॉ कंडीशन में बाइक है, ये सब देख रहे हो, ये सब इसको दिलवाने के बाद ये है, इसको मैंने पेंट ही करना पड़ेगा, इसका कलर एकदम उड़ चुका है, कुछ बचा ही नहीं इस कलर में। तो ये रहा अपनी, बहुत चलाया मैं इसको भाई, बहुत चलाया मैं इसको। तो फाइनली गाइस आपने देख लिया और गाड़ी तो मेंटेन करा दिया मैंने, बस कलर फेड हो रखा है, इसका कलर फिर से कराना पड़ेगा मुझे अच्छे से, मेटल टैंक है तो कलर बहुत अच्छे से आएगा उस पर, बाकी जो फाइबर पार्ट्स है ना वो जल्दी मिल देंगे नहीं अब, तो उस पर मैं रैप ही कराऊंगा, तो उसको मैं रैप कराऊंगा, टैंक को पेंट कराऊंगा और यही सब है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और जल्दी ही उस पर आपको एक ब्लॉग देखने को मिलेगा और फिर देखते हैं कि पहले वाला परफॉर्मेंस भाई उसमें है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से खड़ी थी, हालांकि सर्विस होने के बाद एक एक में भाई स्टार्ट होगी बाइक, गाड़ी का जो इंजन है ना वो काफ़ी बेहतरीन है, एकदम मज़ा ही आता है, पिकअप पूछो ही मत। तो चलिए फिर जाते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ फॉलो करो, देखो वहाँ रील्स क्या ही तहलका मचा रखी हैं भाई, जो मैंने दुकाड़ी सीट बना रखा था ना वो गजब चल रहा है इसमें वायरल, और बहुत ऐसे ऐसे लोगों मैसेज आ रहे हैं जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। तो बस आप लोग का प्यार और साथ ही बनाए रखिए, फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ, तब तक लिखा टाटा बाय बाय। और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल गार्थियन राइडर।